नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 5,910 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,62,445 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 53,974 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.12% है, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 58.59% हो गई है। जदयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने आज से मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का मिशन इम्पॉसिबल में लगा दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का जिम्मा दिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार और KCR पहले ही विफल हो चुके हैं। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने विश्वास मत पर सदस्यों से वोट डालने के लिए कहा। इससे पहले बीजेपी आजसू सरयू राय ने वर्कआउट कर दिया। वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। चारा घोटाले में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह ने 64 वर्ष की उम्र में शादी रचा ली है। जज शिवपाल सिंह ने 50 वर्षीय अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी से शादी रचाई है। नूतन तिवारी पेशे से वकील है। दोनों के बीच गोड्डा कोर्ट में प्यार हुआ, फिर दोनों से शादी रचा ली, जिसको लेकर जज शिवपाल सिंह काफी सुर्खियों में है। 5 सितंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित कर अपने स्कूली शिक्षकों के योगदान को याद किया, जिनकी वजह से वह कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली लड़की बनी थी। उन्होंने कहा, अगर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए तो इन क्षेत्रों में प्रतिभाएं और निखर कर सामने आएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद कई राज्यों के पूर्व के मुख्यमंत्रियों और पार्टी प्रमुख से मुलाकात करेंगे। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, CPM नेता सीताराम येचुरी, NCP सुप्रीमो शरद पवार, कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के साथ साथ अगर नवीन पटनायक उपलब्ध रहे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने सोमवार को एक स्टिंग जारी किया, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल किए और उसका जवाब मांगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि CBI अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों बनाया जाता है। दूसरा सवाल है कि अब भारत की केंद्र सरकार का काम लेवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप देंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पूरा प्लान बताया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उनसे पूछिए कि आपने बिहार के लिए क्या काम किया है। केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली थी, जो अब तक नहीं मिली। देश में सभी लोग जान चुके हैं बीजेपी संस्थाओं को किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल संजय राउत की न्यायिक हिरासत की 5 सितंबर यानी आज को खत्म हो रही थी, जिसे कोर्ट ने अब और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयरों की कीमतों में आज भी तेज उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयर NSE में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,318.55 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। बता दें कि पतंजलि फूड्स के शेयरों ने पिछले 2 साल के दौरान 105% से अधिक की उछाल देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंची है, लेकिन दौरे से पहले शेख हसीना ने भारत को एक बड़ी नसीहत दी थी और कहा, हम नीचे हैं इसलिए पानी भारत की ओर से आ रहा है, लिहाजा भारत को ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए ताकि दोनों देशों को फायदा हो। कई बार हमारे लोगों को इसे काफी नुकसान होता है, खासकर सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी से। PM नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत आपके देश में है। हम सिर्फ गंगा का पानी शेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास 54 अन्य नदियां हैं। यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है जिसे सुलझाना चाहिए।
फेमस बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री का एक कार हादसे में निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री की अचानक हुई मौत से बिजनेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया की हस्तियां भी उन्हें याद कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई पॉलिटिकल फिगर्स ने भी साइरस को श्रद्धांजलि दी है। एक्टर अनुपम खेर और सुनील शेट्टी संग अन्य ने साइरस मिस्त्री को लेकर ट्वीट शेयर किए। दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस के लिए सूंघने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। चीन ने कैनिस्टिनो के AD5-nCoV को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। चीन तियानजिन स्थित कैनसियो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा यह COVID-19 वैक्सीनेशन तैयार की गई है। विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे। ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। अगस्त में लगातार 13वें महीने सर्विस सेक्टर में विस्तार देखने को मिला है। 5 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में S&P ग्लोबल इंडियन सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जुलाई के 55.5 के 4 महीने के लो से बढ़कर 57.2 के स्तर पर आ गया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की पॉलियन डी लीमा का कहना है कि इस अवधि में कंपनियों को नए कारोबारी ऑर्डरों के मिलने से फायदा हुआ है। डॉलर के मुकाबले यूरोपीय देशों की यूरो सोमवार को 0.9884 तक फिसल गई। डॉलर के मुकाबले यूरो 20 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को यूरोपीय बाजारों के खुलते ही डॉलर के मुकाबले यूरो की कीमत 0.70% गिरकर 0.9884 पर पहुंच गई है। इसमें और गिरावट की आशंका है। सोमवार को बाजार खुलते ही डॉलर के मुकाबले यूरो की कीमत 0.70% गिरकर 0.9884 पर पहुंच गई है। यह दिसंबर 2002 के बाद यूरो का डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर भाव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहां सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हम किसानों को मुफ्त बिजली और आम भुक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे। अभी जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहे हैं उन्हें 500 रुपए में दिया जाएगा। मैं बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूँ। गुजरात में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पर फोकस होगा। मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल स्कीम का उद्घाटन किया गया। ये मॉडल दिल्ली के स्कूलों पर बेस्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तमिलनाडु समकक्ष M.K. स्टालिन की उपस्थिति में योजना का शुभारंभ किया। तमिलनाडु में कई शिक्षक पहलों के शुभारंभ के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से जुड़कर खुशी हुई। विकिपीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम खालिस्तान से जुड़ने के मामले में भारत सरकार सख्त हो गई है। उसने विकिपीडिया के अफसरों को नोटिस जारी किया है। IT मंत्रालय ने कहा यह अर्शदीप के परिवार के लिए खतरा बन सकता है, साथ ही देश का माहौल बिगाड़ सकता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से कैच छोड़ने के बाद से ही अर्शदीप को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। नए संसद भवन परियोजना को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी गई है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और निर्माण कंपनी के साथ चर्चा में इसका लगातार उल्लेख किया गया है। बता दें कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि परियोजना नवम्बर तक पूरी हो जाएगी ताकि नए भवन में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा सके। सापूरजी पालोनजी ग्रुप के वारिस और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह किया जाएगा। इसकी जानकारी उनके परिवार ने दी। बता दें पालघर में कासा के पास रविवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक सड़क हादसे में मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार वर्ली शमशान में मंगलवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 वन सिवा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। अदालत ने 18 वेबसाइट पर फिल्म देखने और डाउनलोड करने, किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पुनः प्रसारण, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय रेल के डिब्बों और इंजन का निर्माण अटक गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेलवे के विस्तार का पहिया थम गया है। बता दें कि यूक्रेन भारतीय रेल को पहियों की सप्लाई करता है, ऐसे में फरवरी से लेकर अब तक रेलवे की कई उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। रेलवे फिलहाल अपनी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में LHP डिब्बों का इस्तेमाल करती है। अत्यधिक जनसंख्या की समस्या से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए नियम कायदे और दिशा निर्देश बनाने के केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दंडी स्वामी जितेंद्र दंड सरस्वती को ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन सीमित है और लगातार बढ़ती जनसंख्या का बोझ नहीं सह सकते। तेजी से बढ़ती बेरोजगारी व गरीबी और सीमित खाद्य आपूर्ति स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मद्देनजर सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। इस त्योहार यदि आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल रेलवे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह नंबर 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। यदि ट्रेन में सफर करते वक्त आपको चिकित्सक सहायता चाहिए, किसी दुर्घटना के बारे में सूचित करने की आप जरूरत महसूस कर रहे हो, या ट्रेन या स्टेशन से जुड़ी शिकायत करनी हो, या फिर फ्रेट पार्सल ट्रैकिंग से जुड़ी जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो तुरंत 139 डायल कर सकते हैं। नए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निवेशकों की खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स फिर से 59,000 के आंकड़ों को पार करने में कामयाब रहा है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 442 अंकों की तेजी के साथ 59,245 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 17,665 अंकों पर बंद हुआ है। सचिन पायलट के जन्मदिन वाले शक्ति प्रदर्शन के पोस्टर लग चुके हैं। 7 सितंबर को पायलट का जन्मदिन है, लेकिन 6 सितंबर को ही पायलट समर्थक जयपुर में जुटेंगे। पायलट के समर्थन में राजस्थान में हो रहे इस शक्ति प्रदर्शन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई है। गहलोत कैंप के ही विधायक और SC आयोग के चेयरमैन खिलारी लाल बैरवा ने दावा किया है कि राजस्थान के 100% युवा पायलट के साथ है। पायलट को CM बनाया जाना चाहिए, अशोक गहलोत को खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 2014 के बाद से केंद्र में BJP की सरकार है। BJP ने अपने शासन काल में जनता को लुभाया या नहीं, लेकिन दल बदलू नेताओं को जरूर लुभाया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब से BJP केंद्र में सत्ता में आई है तब से अब तक 211 विधायक और सांसद BJP ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। इस साल मार्च में हुए राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान BJP को सबसे ज्यादा बढ़त मिली थी। 60 विधानसभाओं में से BJP ने 32 पर कब्जा जमाया था। विराट कोहली अब फॉर्म में लौटा है, जिसके बाद कोहली ने कहा, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, जब मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो मुझे केवल एक व्यक्ति का संदेश मिला जिसके साथ मैं पहले खेल चुका हूं, वह MS धोनी थे। कई लोगों के पास मेरा नंबर है, TV पर बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं, लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिसके पास मेरा नंबर था किसी ने मुझे संदेश नहीं भेजा। बॉलीवुड अभिनेता कमाल रशीद खान को अदालत ने रविवार 4 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर साल 2021 में एक अभिनेत्री से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। KRK के खिलाफ साल 2021 में एक अभिनेत्री से साथ फिल्म में लीड रोल देने का वादा कर कथित रूप से छेड़खानी करने के आरोप है। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी पर अपमानजनक ट्वीट के न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में जमानत याचिका पर कल यानी 5 सितंबर को अदालत में सुनवाई होनी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, आशुतोष ओझा, स्वर्णेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रविशंकर, राजकुमार कुशवाहा, राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार देश में अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार का कानून बनाना जाना चाहिए या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।